आखिरकार हम पहुंच ही गए द हार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स वन एंड ओनली टाइम्स स्क्वायर। वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहां एनुअली मोर देन 50 मिलियंस लोग आते हैं। जी हाँ, ये वही प्लेस है। तो आइए और भी थोड़ा करीब से देखते हैं और जानते हैं टाइम्स स्क्वायर को। तो सबसे पहले आपको बता दूं, टाइम्स स्क्वायर ब्रॉडवे एंड 7th एवेन्यू के बीच में पड़ती है, 42nd टू 47th स्ट्रीट तक। आपको यहाँ आने के लिए सबवे, टैक्सी, उबर या फिर बिग बस, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन से इजीली आ सकते हो। टाइम्स स्क्वायर की यही खासियत है, यहाँ की क्राउडनेस, चारों तरफ रौनक, चकाचौंध, बड़े बड़े शॉप्स, मॉल एंड ऑफ कोर्स बिलबोर्ड्स। यहाँ कुल 234 बिलबोर्ड्स है जो कि 24 आवर्स चलते रहते हैं, और जैसे जैसे रात होती है यहाँ का रौनक और भी बढ़ता जाता है, साथ ही साथ लोगों की भीड़ भी बढ़ती जाती है। 31 दिसंबर के नाइट यहीं पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन होती है और रात को ठीक 12 बजे बॉल ड्रॉप होती है। उस वक्त यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड होता है कि आपको पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती। टाइम्स स्क्वायर में हमेशा कोई ना कोई फंक्शंस लाइक सिंगिंग, डांसिंग या फिर जिमनास्टिक, इस तरह का एक्टिविटी चलता रहता है, इसलिए भी टूरिस्ट को बहुत मज़ा आता है यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए। और अंत में बेस्ट फोटोशूट के लिए द फेमस रेड स्टेयर केस में बैठना तो बिल्कुल भी मत भूलना। एट द इन जब आप पूरी तरह से घूमने के बाद टायर्ड होकर इस रेड स्टेयर केस में बैठोगे तब आपको फील होगी कि आपने एक जर्नी कंप्लीट कर लिया है। दुनिया को अपने आंखों से देखना भी लाइफ की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है नए नए जगह जाना और उसे एक्सप्लोर करना। टाइम्स स्क्वायर में आपको बहुत सारे स्ट्रीट फूड भी मिलेगी जो आप इंजॉय कर सकते हो, और यहाँ का ब्रॉडवे शो भी बहुत पॉपुलर है, बट अभी कोविड के वजह से बंद है इसलिए हम नहीं देख पाए। टाइम स्क्वायर में हमेशा कोई ना कोई इवेंट चलता रहता है। इसी दौरान मैंने एक स्नेक देखा और वो भी वाइट पाइथन। मुझे स्नेक से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो सोचा क्यों ना आज अपने डर को हटाया जाए। तो बहुत ही हिम्मत से मैंने इस पाइथन को ट्राई किया कि अपने हाथों में ले सकूं। Diamond, no, more than that. Yeah.
Nós é tocado esse tempo. Ah, já bailou e todo, já. Nós é tocado esse tempo. Ah, já bailou e todo, já. सो ओवरऑल बहुत 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 ही अच्छा रहा आज का दिन, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इन्जॉय किए। और जाते जाते लास्ट में ये न्यूयॉर्क का बहुत ही फेमस पिज़्ज़ा एंड पास्ता के साथ आपके साथ विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और आप ज़रूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।